लड़कियां उठाने ले जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। बीते दिन एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड की ओर से भगवान राम को मांसाहारी बताया गया था, जिस पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कभी कभी गलतियां हो जाती है। अपने बयान पर माफी मांगते हुए जितेंद्र अवार्ड ने कहा है कि वो इस मुद्दे को तुल नहीं देना चाहते थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कई कांड है जिसमें अयोध्या कांड भी है, इसमें इसका जिक्र है। अवार्ड ने कहा कि मैं बिना रिसर्च कुछ नहीं बोलता, मैं मुद्दे को तुल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। मैं खेद व्यक्त करता हूं, कभी कभी गलती हो जाती है, ये मेरा बयान था। पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी रामायण पढ़ लीजिए, आपको पता चलेगा। पर फिर भी लोक भावनाओं की आदर करके, लोक भावनाओं की का आदर करते हुए इस विषय पे शायद किसी का दिल दुखा होगा, बहुत जन का दिल दुखा है। लड़कियां उठाने लेने जाने वाले भी आज मेरे ऊपर कूद पड़े हैं, उनका भी नाम राम ही है। आप कायम है इस ध्यान के ऊपर? मैं खेद व्यक्त करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? बता दें कि एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने भगवान राम को लेकर विवादित बयान दिया था। जितेंद्र अवार्ड ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि राम हमारे हैं, वो बहुजन हैं, राम मांसाहारी थे। उनके इस बयान को लेकर बीजेपी और अजीत गुट के नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी। इतना ही नहीं, उनके इस बयान को लेकर बीजेपी का जमकर विरोध देखने को मिला। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है शिरडी में। जितेंद्र अवार्ड ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेकर विवादित बयान दिया है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी घाटकोपर के चिराग नगर पुलिस स्टेशन में जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ FIR दर्ज हो, इस मांग को लेकर अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम कदम है। राम, देख सकते हैं कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। राम कदम जी, क्या कहेंगे अपनी जितेंद्र अवार्ड का जो बयान सामने आया है उसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अवार्ड का यह बयान बेहुदा बयान है। क्या इस बात का वो तर्क बताएंगे कि यदि देवताओं को यदि अभक्ष प्रिय है, मांसाहार प्रिय है, तो देश के सारे मंदिरों में उनको मांसाहार प्रसाद के रूप में चढ़ता, भोग के रूप में चढ़ता, कहीं चढ़ते हुए देखा आपने? हमारे घर में नवरात्रि हो, गणपति जी हो, कोई पूजा अर्चना का कोई विधि विधान हो, उस दिन भी मांसाहार जिस घर में खाते हैं उस घर में भी उस दिन मांसाहार नहीं बनता। हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमने मांसाहार न किया हो। यह सच बातें जानने के बाद भी जानबूझकर के हिंदू राम भक्तों का, हिंदू समाज का, उनकी भावनाओं को आहत करने का दुस्साहस उन्होंने इस कारण किया है कि वे किसी संप्रदाय को खुश करना चाहते हैं। और यह केवल अवार्ड नहीं है, अवार्ड के इस बयान के बाद पूरा घमंडी अलायंस शांत है। उद्धव ठाकरे की खामोशी, शरद पवार का समर्थन, राहुल गांधी की खामोशी, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये पूरा घमंडी अलायंस मान रहा है कि राम का अपमान करो, राम की छवि धूमिल करो, भगवान राम की, हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करो। ये जो दर्द है ना, इनके पेट का दर्द, ये दर्द की वजह है कि राम मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य बनने जा रहा है। कल जब जितेंद्र अवार्ड ने बयान दिया, सामने शरद पवार, सुप्रिया सुले, तमाम जो एनसीपी के बड़े नेता थे वो मौजूद थे, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं मौजूद नहीं, वो समर्थन कर रहे हैं? अगर समर्थन नहीं कर रहे तो खंडन करते हैं। इसके लिए हमारा तो कहना है कि शरद पवार माफी मांगो, शरद पवार उद्धव ठाकरे राहुल गांधी। 22 जनवरी को शराबबंदी मांसबंदी का आपने पत्र लिखा है सीएम को लेकर, और इसी बीच जितेंद्र अवार्ड का ये बयान आना, इसे किस तरह से क्या कहेंगे, क्या देख, कैसा लग रहा है? वो बड़ा दिल रख करके इस बात का समर्थन करते हैं, पर सामने आया कि उनका भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है वो सामने आया। दुर्भाग्य से उनका कोई बचा ही नहीं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं, क्या मांगे होंगी आगे की, क्या रणनीति होने वाली है? उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होती तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उनके ऊपर FIR दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी। हमसे बातचीत करने के लिए जितेंद्र अवार्ड, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक जितेंद्र अवार्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, News 24 मुंबई। दरअसल राम पर बयान देते हुए एनसीपी नेता का कहना था
आप चाहते हैं हम सादा जीवन जिए, लेकिन हम राम को मानते हैं और मटन खाते हैं। ये राम का गुण है, वो मांसाहारी थे। 14 साल तक जंगल में रहने वाला व्यक्ति भोजन की खोज में कहां जाएगा? ये सही है या गलत? मैं सदा सही कहता हूं। बता दें, एनसीपी विधायक का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब आने वाले दिनों में अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, लिहाजा इस वजह से भी इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।